moment is going to be very special for everyone. But yes, without much ado, I would request Mr. Ashok Todi, Chairman, Lux Industries Limited, to kindly take us through the journey of Lux briefly and share a few more insight about the company over the years. Over to you, sir. Thank you, all of you. सबसे पहले मैं Lux Industries Limited की तरफ से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कर रहा हूँ. ये आप जानते हैं कि Lux Cozi इस ब्रांड में हम लोग काफ़ी इनोवेशन करते रहते हैं और ये भारतवर्ष में एक पहली बार हम लोगों ने एक इनोवेशन करने की पूरी चेष्टा करी है. एक सेंटेड वेस्ट बनियान जिसको आज हम लॉन्च कर रहे हैं. पिछले एक साल से इसके ऊपर में काफ़ी सर्वे किया गया. इसको बनाने के बाद में इसकी टेस्टिंग की गई कि ये यूजर को कैसा लगेगा. आप जानते हैं कि भारतवर्ष में गर्म के सीजन में टेम्परेचर 38 से 45 तक चला जाता है और इस ऐसे टेम्परेचर में एक जनरल पब्लिक को एक ऐसी बनियान मिलती है जिसके अंदर से खुशबू निकलती रहती है, तो ये उनके लिए बहुत एक अच्छी चीज़ होगी जिसकी हमने पूरी चेष्टा करी है. प्रोडक्ट के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि Lux कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को निकालने के पहले हमारे एक R&D डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग पूरा रिसर्च करने के बाद में ही इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं. आज कंपनी का जो प्रोडक्शन है एवरीडे प्रतिदिन 1.4 मिलियन पर पीसेज एवरीडे है, जो कि अपने आप में इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन Lux कंपनी इस निटिंग इंडस्ट्रीज में कर रही है. जहाँ तक बॉलीवुड का बात है, वरुण हमारे साथ है, शुरू से और आखिरी तक रहेंगे. बहुत एक अच्छा प्यारा भाई, मेरा यंग ब्रदर, और इसने हमें इतना सपोर्ट किया है कि इनके बारे में मैं जितनी भी तारीफ करूं उतना कम है. हर समय इनके दिल से एक ही बात निकलती है, कुछ नया करके लाइए, कुछ नई चीज़ बनाइए, कुछ ऐसा कुछ करें जो कि आज तक किसी ने ना किया हो. और हम लोग वो चेष्टा करते रहते हैं कि इसी तरीके का कुछ नया प्रोडक्ट, नया उत्पादन हम मार्केट में ला सकें. ये उसी चीज़ का एक का तरीका है कि हम एक सेंटेड वेस्ट के रूप में Lux Cozi को लॉन्च करने जा रहे हैं. इसके हमने वरुण से काफ़ी इसमें इस वेस्ट को आगे बढ़ाने में, इसका विज्ञापन करने में, इसके प्रोडक्ट को किस तरीके से आगे लाया जा सकता है, इनका पूरा सजेशन हमारे साथ है. मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस मैसेज को कंज्यूमर तक पहुँचाएँ कि भारतवर्ष में कैसी बनियान अब आ रही है जिसके अंदर से आपको एक परफ्यूम की महक मिलेगी. एंड मैं वरुण से भी यही चाहूँगा कि जितना साथ हमेशा आपका मिलता रहा है उस तरीके से हम लोग लाइफ टाइम हम हैं जब तक हम आपके साथ हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. All right, so moving forward, I would like to request Mr. Pradeep Todi, Managing Director, Lux Industries Limited, to kindly take it forward regarding the performance of the company and how the brand has been the pioneer of the industry. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी मीडिया हैं, डिग्निटी हैं और हमारे जितने भी व्यापारी बंधु हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ. इसके साथ साथ भाई साहब ने आपको पूरा बताया है, पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो मैं आपको बता देता हूँ. आज जो सेंटेड वेस्ट का हम लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग साथ में बैठे एक दिन कह रहे थे कुछ नया करो. वरुण कह रहे थे कुछ नया करो यार, सब तो पुराना पुराना करते हैं, कुछ नया करो. हमने इसमें क्या करें नया, गला तो सामने ही है, सामने ही रहेगा, लेबल पीछे पीछे ही रहेगा, हम नया क्या करें, बोले इसमें सेंट डाल दो. तो इनके जो आइडिया है, हमने उस आइडिया पर फिर रिसर्च किया कि ये आइडिया रियल में आइडिया अपने आप आती है. क्या सोचते हैं आइडिया कहाँ से आती है? आइडिया जब भी आती है अपने आप अचानक से निकलती है, फिर उसको आप फॉलो करते हैं तो उस आइडिया के अंदर में रास्ता निकल जाता है. हमने इसी तरीके से इसको लास्ट 6 महीने से हम फॉलो कर रहे हैं. अल्टीमेट हम लोग इस जगह पे पहुंच गए कि एक सेंटेड वेस्ट है जो कि हम बना सकते हैं और उसी तरीके से अभी सोच रहे हैं हर साल नया कुछ किया जाए. बाकी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं चाहूँगा कि हर आदमी वरुण को सुनने आए या वरुण भी अपने मुँह से कुछ बोले.
नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे एक्चुअली थोड़ा बहुत फनी है क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं इवेंट्स के लिए आता था, मैं तेरा हीरो के लिए एक इवेंट था, मैं बहुत प्रमोशन शुरू हुआ था मेरा वक्त, और यही जितने भी चेहरे हैं जैसे मैं बड़ा हुआ इनकी भी उम्र आगे बढ़ी है कई कई का पेट आया है जैसे उधर पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक तरीके से दोस्ती यारी बनी रहती है, सब लोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग सब साथ में। पर मैं ये जेन्युइनली कहना चाहता हूँ कि मैंने हाँ कहा था ऐसे कि हाँ कुछ नया करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि एटलीस्ट इधर मुंबई में या जिधर भी हम लोग बाहर घूमने जाते हैं इंडिया में, कभी कभी गर्मी के मौसम में इतना मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है दैट लॉट ऑफ स्वेटिंग हैपन्स, पर्सपिरेशन हैपन्स, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यू नो टू कीप योर कूल ड्यूरिंग दैट टाइम। अभी उस में अगर आपके पास एक ऐसा वस्त्र हो, एक ऐसी बनियान हो जहाँ बनियान में से अच्छी सुगंध निकल रही है तो अच्छा ही लगेगा, एटलीस्ट आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे वो लोग भी मतलब थके हुए इधर एटलीस्ट एक एक वाओ एक ऐसा फीलिंग निकलेगा। सो आई थिंक दैट्स व्हाई लक्स कोजी इंडिया का पहला सेंट वाला बनियान, दिस इज इंडियाज फर्स्ट सेंट वाला बनियान और ये इंडिया में ही बना है। सेकेंडली ये एड मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम लोग ने ये 3 एड शूट किए थे, पहली बार मेरे बड़े भाई ने ये एड्स डायरेक्ट किए, सो द एड दैट यू गोइंग टू सी रोहित धवन हैज डायरेक्टेड देम। मुझे बहुत उनको बोलना पड़ा कि प्लीज़ 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 करो, देन ही मेट अशोक जी, फिर ही लाइक्ड अशोक जी तो उन्होंने वो तैयार हो गए ऐड करने के लिए। बट बहुत नया कॉन्सेप्ट है एड्स को लेके, देयर इज़ अ क्वर्क इन द एड्स एंड यही कोशिश है कि हम लोग हमेशा ऑडियंस के लिए कुछ नया करें, कुछ नया दिखाए, बाकी तो फर्स्ट क्लास है सब कुछ। तो can we see the ad? All right. So can we please have the ad? It's going to be truly special and unique as Varun said. So let's have a look over it. Can we please have the AV? Actually, मुझे भी देखना है, मैं उधर जाके बैठ के देख। खुशबू के मजे ले रहे हो सर? चल आगे बढ़। मैम आप भी? खुशबू फैलाते रहो बच्चा। आ गई इंडिया की पहली सेंट वाली बनियान लक्स कोजी, सेंट वाली वेस्ट है सबसे बेस्ट। आई थिंक वन मोर टाइम, एक बार वी शुड हैव यूज्ड राउंड अप्लॉज, वरना विल प्ले इट वन मोर टाइम, वी वर वेटिंग फॉर द अप्लॉज। या सो नाउ बिफोर वी हेड टुवर्ड्स अनवीलिंग द प्रोडक्ट, आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर नवीन थोड़ी टू शेयर हिज पॉइंट ऑफ व्यू, द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लक्स इंडस्ट्रीज। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी, द मीडिया, द dealers and everyone, and especially Varun, thanks for coming here. It's been a pleasure to see you all, and as you see, summer is coming and we have given you something which you can avoid your due expenses and use our vest. That is something which will give you all the pleasure, and this is the first time in India that we have come out with this product, and Mr. Varun will be launching it and you'll be getting some of it for yourself to use and enjoy it. Thank you. Thank you so much, and without much ado, I'm sure everyone is dying to see the product, and let's head towards the unveiling of it. So I would सबको product दे रहे हम लोग आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको दे रहे हैं, and there are some other दूसरे भी कुछ चीजें दे रहे हैं, पैसे वैसे तो नहीं दे रहे हो ना? अरे ये press में जब news दे रहे हैं that is also a kind of funny. All right, so I think we are all set. I would request all our dignitaries to please kindly come forward. I request Mr. Varun Dhawan to please kindly be part of the very special moment of the day of the year with Lux Industries. I would request all four to please kindly come little forward. All right, with the countdown, we start, and let's make it more special in 3, 2, 1. Here we go. Here we present India's very first scented vest range. Let's make India feel more good, look more good, and feel more good. Okay, so I want me also to be part of it. सुनो सुनो तो अपने दिल की 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 सुनो अपने ऑलराइट
more time. Yeah, we present Lux Cozy, India's first ever scented wide range new product, the most innovative product of the year, I must say, by Lux Industries with none other than Solo. Okay, yes, we will do Solo definitely. Alright, so Varun, everyone is saying that we are all saying that it's a standard product. So we really want, if you can smell it and show it, because itni dur khadi ho, phir bhi I can feel it. So I think I am the luckiest one to be part of it. Thank you so much for joining us. Thank you so much. It was really nice having you. And before we head towards the Q&A, would you like to say something, share something about the association with Lux Industries? Just that it's been an amazing association. One more. क्या करूं? ये फोटो चाहिए? अच्छा वीडियो वीडियो. कैमरा लगा रहे हो? But basically, it's been a very wonderful association with Lux Cozy. हम लोग जैसे ही आगे बढ़ने वाले हैं, we are going to do even more new things. I think innovation is the name of the game. Whether it's business, whether it's movies, हमेशा कुछ नया करना चाहिए. I think that's what people want also. या कुछ try करना चाहिए. So मैं बहुत grateful हूँ कि आप लोगों ने ऐसा एक product निकाला है जो India में किसी ने नहीं निकाला है. And ये India का पहला scent वाला vest है. Lux Cozy scent वाली vest है सबसे best. क्या बात है, amazing. So I'm sure everyone is dying to have Q&A with him. So I would request the dignitaries to please kindly have a seat. Okay. All right. So we request press media to kindly introduce their name with the publication name, and we request you all to please kindly stick towards the brand questions. Thank you so much. Heading towards to you all. Can you please have the mics for the media? Q&As. All right. Here we go. We request you to kindly raise your hands and kindly introduce your name, publication name. And then we head towards it. Thank you. Ma'am, we are giving you a mic over there. Hello. Hi. Hi. So firstly, I think fragrance, people are very sensitive to fragrance. So when you came up with this idea, what went behind it? Because different people may like different fragrances and some may be very sensitive towards it. This is the basically common, very much common waste. And jab kisi bhi ek cheez ke tarah hum common waste dete hain, to alag alag perfume dena it is little bit impossible. But we will try in future. But now this is the first time we are giving one single perfume and jasmine's performance. And in future, if it will be demand, then definitely we will try to more and more fragrance. So also, could you give us a number as to the kind of media spend that went on ANP, the advertising and promotions for this Lux Cozy or this company? So for this particular product. In the next 3 months, it is more than 30 crore. Thank you so much. Yeah, I am here. Yeah, this side. मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या होता है कि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, सबके स्किन जो है वो अलग-अलग सेंसिटिविटी होती है, तो इसमें आपका रिसर्च वर्क किस तरीके से हुआ ताकि हर कोई इसे पहन सके? इसके अंदर में रिसर्च करने के लिए जो सबसे पहली बात है कि one second. इसके लिए पहले हम लोगों ने करीबन अलग अलग परफ्यूम के अंदर 100 पीस बनियान बनाई थी जो हमने काफ़ी लोगों को दिया
फिर हम एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि मैक्सिमम लोग क्या पसंद कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमने इस निर्णय पे पहुँचे हमें ये करना चाहिए था। इसके साथ ही विदाउट परफ्यूम भी आल्सो अवेलेबल है, अगर किसी को परफ्यूम सूट नहीं करता है, कुछ ऐसे भी हैं, तो विदाउट परफ्यूम भी प्रोडक्ट रेडी है। हाय वरुण। हेलो मैम, हाउ आर यू? दिस इज, आई एम गुड, नाइस टू सी यू। आई वुड लाइक टू आस्क यू, वी ऑल नो दिस इज समर टाइम एंड यू स्पेशली शूटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो वेन एवर देर इज समर टाइम, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ? आई थिंक आई हैव अ बाथ twice a day or thrice a day, because like you said, summer time hota hai to bahut sweating wetting bhi hota hai, but actually this happens ki kabhi kabhi aap jab roles kar rahe ho, you're wearing a formal suit or a shirt, like iske baad I have to go for another event to mujhe suit pehna hai, shirt pehna hai, then you get sweat patches, so the best thing is to wear a vest, you know, so I do carry vest inside so that andar you don't get sweating, because hamara ek visual medium hota hai, hum log jaha dikhte hai. एंड आई फील दैट मतलब ज़्यादातर लोग जो मतलब काम के लिए जाते हैं ट्रेन पकड़ के या कभी ऑटो पकड़ के सुबह सुबह, वो भी हमेशा यू विल सी दैट उनके शर्ट के लाइन से अंदर वेस्ट दिखता है, तो एक उसका वो उपयोग हमेशा होता है, बट अदरवाइज समर टाइम आई थिंक ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड इफ यू कैन हैव अ बाथ ट्वाइस अ डे हैव अ बाथ। हाय वरुण। हाय वरुण, सोहेल। वरुण हाय, दिस साइड ऑन योर फ्रेंड। ओके, व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको मालूम पड़ा कि मतलब इंडिया की पहली बनियान है, वो भी खुशबूदार, सो आपको क्या रिएक्शन था आपका? आई थिंक फर्स्ट आई कुडंट बिलीव इट, मैं बिलीव ही नहीं कर पाया, मैंने बोला सर क्या आप बोल रहे हो आप सच्ची में? तो ही सर हाँ सच्ची में वरुण, एंड दे गॉट द प्रोटोटाइप फर्स्ट एंड ही सर कि आप सूंघ के देखो, आपको चाहिए तो आप एक दिन पहन के देखो एंड सी हाउ इट गोज थ्रू। ऑल्सो मैंने पूछा था कि ये कितने वॉशेस तक रहता है, सो आई थिंक 4 to 5 washes tak the smell also remains in the vest, and then after that you can use it as a normal vest, but maine ye bhi pucha tha to pura din bhi maine pehna tha vest, ek din main workout karne ke liye gaya tha uske baad, and it really did last very well, you know, to main kafi khush tha product ke sath, and you know as a actor as a celebrity you agar aap kuch endorse kar rahe ho to obviously you want aapko apna bhi due diligence आप कोशिश करते हो करने के लिए, तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे और सर ने तो बहुत बोला कि आप खुद टेस्ट करो पहले, क्योंकि अभी टेस्टिंग, बिकॉज दे हैड अ वेरी लॉन्ग टेस्टिंग पीरियड फॉर दिस, कि मार्केट के अंदर एक बार जब तक सेम प्राइस में नहीं आता है तब तक इसको आज का जो कंज्यूमर है वो बाइक करने से सोचता है, हमारा इसका दाम ऊँचा है पर अभी हम 3 महीने तक इसको ओल्ड रेट में ही सेम रेट में ही देंगे, परफ्यूम और विदाउट परफ्यूम एनीथिंग लिमिटेड ऑफर। वरुण, कभी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ होगा कि यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस अ वेरी बैड बॉडी ऑर्डर एक्चुअली मेनी टाइम्स, जब आप शूट कर रहे हो तो लगता है कि ये प्रोडक्ट विल बी रियली यू नो क्वाइट हेल्पफुल, और कभी ऐसे कोई एक्सपीरियंस यू लाइक टू शेयर? हमेशा होता है कभी कभी, आप क्योंकि आप एक एक्टर हो तो आपको अलग अलग सिचुएशन अलग अलग वेदर में शूट करना पड़ता है, कभी कभी रोमांटिक सीन्स शूट करना पड़ता है, कभी कभी एक्शन सीन्स शूट करना पड़ता है, तो आप अगर अच्छा स्मेल करोगे या आपके को एक्टर्स अच्छा स्मेल करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो मैं ये अपने आप अपने साथ ले जाऊंगा शूटिंग के लिए और सबको बांटूंगा कि पहन के आ जाओ गर्मी में। तो ये गर्लफ्रेंड के लिए भी अच्छा होता है ये? हाँ, सबके गर्लफ्रेंड्स के लिए अच्छा होगा। वरुण, अभिषेक शर्मा इंडिया न्यूज से। ये करना था कि आप क्या ये जो वेस्ट है क्या 4-5 दिन ही सिर्फ इसका सेंट रहेगा क्या इसके अलावा या दूसरी? दूसरा 4-5 दिन नहीं, 4-5 वॉशेज कि आप 4-5 बार इसे धो सकते हो और तब तक सेंट रहता है। यानी जो आपने कहा कि आप 2-3 दिन सॉरी दिन में 2-3 बार नहाते हैं, तो यानी आप नहाना बंद कर देंगे शायद? आप शायद कम ना होगा फिर, अच्छा पानी बचेगा। हाय वरुण, तो जैसे कि सर ने स्टार्टिंग में पूरा क्रेडिट आपको दिया था कि ये कहते हुए कि आपने बोला कुछ नया तो सेंट लाते, तो वो एज मजाक में बोल दिया था आपने और इन्होंने सच्ची में लिया, या फिर वो आपने सच में बोला था? जब हमारे कॉन्वर्सेशन होते थे तो मैं सच्ची में बोलता था कि सर कुछ नया करते हैं, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ वेस्ट ब्रांड्स, ऑब्वियसली लक्स कोजी इज द लीडिंग वेस्ट ब्रांड इन द कंट्री, बट मैं हमेशा बोलता था कि कुछ अलग करते जो दूसरे लोग नहीं कर रहे, तो कैसे कर सकते हैं, क्या अलग कर सकते हैं, तो ही सरप्राइज मी विद दिस ऑनेस्टली। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोग कुछ ऐसा लेके आएंगे जिसे मैं खुद इतना सरप्राइज हो जाऊंगा। वरुण, जब भी कोई पंचलाइन आती है तो मजाक में ही आती है, आज तक का इतिहास तो यही देखा मैंने। वरुण,
आपको हमेशा यू नो इतने ऐसे कपड़े पहने पड़ते हैं, जैकेट्स पहननी पड़ती है और हर जगह ट्रैवल, डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट क्लाइमेट, तो हाउ मच डू यू बिलीव दैट वन शुड हैव मिनिमम क्लोथ्स? मतलब ऐसे कई बार होता है जब घर पे नहीं होता यार, चलो आराम से रहें, अपना खुला रहें, एकदम, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आई थिंक मैं फुली बिलीव करता हूँ ये, एंड स्पेशली जब आई थिंक जब अलग अलग जगहों पर मैंने शूटिंग की है, जैसे चंदेरी में जब शूटिंग किया था मैंने, तो तब लोग समर में वैसे ही पहनते हैं, वो लोग बहुत साधारण नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, वेरी इजी कपड़े, शायद बनियान हो गया ऊपर या वेस्ट हो गया ऊपर और पैजामा हो गया, एंड दैट्स हाउ दे स्टे एट होम. मैं समर के महीने में बहुत कम कपड़े पहनता हूँ घर पे, ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत गर्मी रहती है, तो आई रोम अराउंड माय बॉक्सर्स और जस्ट वेस्ट, दैट्स इट. हेलो सर, हियर, राइट. हाँ जी, हाय, व्हाट्स अप सर? ओकेजन ऑफ दिस फोरम, एक्चुअली मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, कैन आई गिव यू दैट? एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कलंक प्रमोशन सर, सो कैन आई सर? या श्योर श्योर. Thank you so much. Any more questions? Varun, do you feel so ke the vest sometimes gives you confidence also, proper, a very good vest? Because when you have a good vest, jo hota hai, it gives you confidence also. 100%, because ek tarike se aapke body ko bhi pakad ke rakhta hai structure wise. So, matlab har kisi ko lagta hai ki मेहनत भी बहुत करता हूँ उसके लिए, बट जनरली आई थिंक योर कॉन्फिडेंस डज बिल्ड, एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग अच्छा ही लगता है जब वेस्ट अच्छा है, फिट अच्छा है उसका, तो हर कोई अच्छा ही लगता है उसमें. वो जब घर पे हो आप, मतलब अपने फैमिली के साथ, तब क्यों नहीं पहन सकते, और बाहर भी पहन सकते हो. I think there's nothing like that. ये जो vest है, it's in only in white color. I mean, you have other color. Then your color preference, अगर you like. There is so many color, but maximum 95% selling is white. White ज़्यादा बिकता भी. So we have the last question coming up. Mr. Todi, I want to ask you something related to when you said innovation. There's always a background company to innovation. Who has done this innovation? Who is the innovation partner? This is about the product or about the commercial? About the product, sir. Who is the innovation behind the company? Because, you know, we have our coating technology. Okay. We have our one strong team in our company. Basically, they are thinking every time about the product innovation. ये जब भी कभी world market में जाते हैं, वहाँ से नई नई चीज़ें लेकर के आते हैं कि what will be the best for us and as per our local suitability of the market, Indian market. So one thing Mr. Padhi Todi want to say also. मैं आपको बताता हूँ, हमने लास्ट, हम 100 साल से बनियान बना रहे हैं, तो आज मेरी उम्र 100 साल नहीं है, नाउ आई एम 52, पर जब आदमी पैदा ही बनियान में होता है, वो दिन भर जब देखता है तो उसको इनोवेशन की दरकार नहीं पड़ती, कल्पना में आती है. हीरो का जो बेटा होता है ना, तो उसको खून में रहता है कि उसको क्या करना है, क्या करना है, अपने को सीखना पड़ेगा. हमको ड्रीम नहीं आया, हमको ये लगा ये जो सेंट्रल वेस्ट है ये इनकी देन है. ये इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ करो. कोई भी आदमी जब कुछ करता है तो एक दिशा होती है कि हमें ये कुछ करना है. उसके बाद अगर आदमी सोच रहे तो दुनिया में असंभव वर्ड नहीं है. ये डिक्शनरी से जो इम्पॉसिबल वर्ड है, मेरे हिसाब से मैं इसको नहीं मानता हूँ, इसको हटा देना चाहिए. उधर से इधर आ गए. One last question, please. Superb. Very excited. I think excited, nervous, everything. मेरी जिंदगी के सबसे बड़ी फिल्म है ये, और एडवांस बुकिंग चालू हो गई है. वी आर क्वाइट एक्साइटेड, मतलब जैसे पता चल रहा है हाउ इट्स ट्रैकिंग. और कल, जैसे सबको पता है कि वेनिसडे है, हम लोग नॉर्मल फ्राइडे से दो दिन पहले आ रहे हैं, क्योंकि कल महावीर जयंती है. इट्स अ बैंक हॉलीडे इंडिया में.
सो फिंगर्स क्रॉस्ड यार, मतलब हम लोग एज एन एक्टर, मुझे जो भी कुछ करना है मैंने सब कुछ किया है, मेरे हाथों में जो है, बाकी सब तो जनता जनार्दन होती है, ऑडियंस माई बाप होती है, दे हैव टू डिसाइड. फिल्म हम लोग उनके लिए बनाते हैं, सो आई एम होपिंग दैट दे एंजॉय जफर्स पोर्ट्रेयल एंड लव स्टोरी बिटवीन जफर एंड रूप. यार कल ही लग रही है एक और, आप जानबूझ के पूछ रहे हो ना ये टेंशन देने का. But Varun, how do you deal with the pressures, you know, of the box office as a star, as a brand, Varun? You know, I'm genuinely feeling a sense of deja vu करके एक शब्द है जो आपको लगता है कि ये चीज़ जो हुई है पहले भी हुई है आपके साथ. And I'm not lying, मुझे मैं तेरा हीरो का एक इवेंट इतनी जोरों से याद आ रहा है क्योंकि ऐसे ही लोगों ने मुझे पूछा था एक दिन पहले रिलीज के कि कैसे लग रहा है कल लगने वाली आपकी फिल्म, आप पे बहुत प्रेशर है, आप पहली बार ये मसाला जोन कॉमेडी कर रहे हो. तो अच्छा है, आई थिंक यू नो इट्स वेरी नाइस कि जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कुछ आपसे, और मेरे हिसाब से अभी ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है ये फिल्म से, बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है. और मैं बस यही कहूँगा कि ये बहुत ही एक इंडियन हिंदी फिल्म है, एक पैन इंडिया मसाला फिल्म है, एक इटर्नल लव स्टोरी है रूप और जफर के बीच में, एंड बहुत सारे किरदार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म में, और बहुत अच्छा कि इन्होंने, म्यूजिक इज अनबिलीवेबल इन द फिल्म. तो हम लोग ने वो सारे एलिमेंट्स डाले हैं, बट होपफुली द मेन थिंग इज कि सबको फिल्म टच करे और आप लोग इमोशनल हो, थोड़ा रोए, थोड़ा हंसे, ये सब चाहते हैं हम लोग. Alright, thank you so much everyone and good luck to Mr. Varun Dhawan and whole team for the upcoming release. Alright, I'm sure this product is truly going to be a game changer and it's going to create its new trend, new segment so that India looks good, feels good and smells good. Yes, sir. Thank you so much everyone thank for you joining guys. Us. Thank you, once again, thank you so much Varun Dhawan. सामने वरुण खाली अरे ले लो यार, अरे यार कोई आदमी ले लो. क्या बात है, क्या बात है, आग लगा दो. Excuse me.